तो हम पहुंच चुके हैं बाणों के धार में और यहाँ तो दोस्तों ये रहा वो पत्थर मेरे हाथ से बढ़ाएगा। ये देखिए वैसे है ये बहुत रहस्यमय पत्थर और बदानगढ़ी का टॉप भी ये रहा। यहाँ यहाँ क्या बनना है फेर बल्दा फेरो फेरो फेर 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 टेस्टी हो रही है ककड़ी। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, पहला प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? माता रानी की दुआ से आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चले फिर आपसे कुछ बात करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विजय सिंह कफोला के साथ जीओडी व्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मेरे गांव का नाम है ऊनी। जंगल देख रहे हैं, पूरे हमारे गांव के जंगल हैं, देखिए खूबसूरत। यहाँ पूरे चीड़ के पेड़ आपको दिखेंगे। तो आज हम जा रहे हैं डोली चढ़ाने, जो कि हमारे गांव में जो भी महिलाएं होती हैं वो अपनी मायके के देवी देवताओं जो कि बाण हाण जैसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए डोली चढ़ती है। वो हम अभी चढ़ाने जा रहे हैं ऊपर जंगल में। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ हैं बिष्ट जी, तो आगे हमें मिलेंगे पुजारी जी जो कि इस पूजा को संपन्न करेंगे। खूबसूरत मौसम है और चीड़ के पेड़ हैं। सुबह सुबह धूप भी आ चुकी है, निकल चुकी है, ये देखिए वाह। तो पहले इस जंगल में हमारे बैल आते थे, हम यहीं रहते थे जंगलों में, लेकिन अब हम बैलों को हका देते हैं, जंगल भगा देते हैं मतलब। तो आजकल घास काफ़ी बड़ी हो रखी है देखिए। तो दोस्तों एक रहस्यमयी पत्थर है जो हमारे जंगल में है। तो कुछ साल पहले हमें दिखा है, ज़्यादा टाइम हो नहीं रखा है इसको दिखे, कुछ एक साल पहले हमें दिखा अचानक से। बैलों के साथ जंगल में हम आए थे तो हमें ऐसे दिख गया था पत्थर। तो हम आपको दिखाते हैं और वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये रहा वो पत्थर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये देखिए सेम नाग देवता जैसे लग रहे हैं। एक आँख की दर्द है, आपको दिखाता हूँ। एक आँख ये रहा, एक आँख ये रहा, ये मुँह जैसा लग रहा है ना, ये देखिए ढंग से देखिए लग रहा है सेम। और ये देखिए अंदर गुफा जैसी लग रही होगी, ये देखिए यहाँ से निकला ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अंदर तक है ये गुफा। और आजकल कुछ बड़ा बड़ा सा दिखने लग गया है इसके अंदर, ये देखिए काफ़ी अंदर, अगर हम लाइट मारेंगे ना यहाँ तो बहुत अंदर तक दिखेगा हमें इसके नीचे। वैसे है ये बहुत रहस्यमय पत्थर। दीपक विष्ट आपको क्या लगता है, लग रहा है ये नाग जैसा? बिल्कुल सेम है ना, सेम। ये देखिए बिल्कुल डिट्टो है, सेम। इतने बड़े तो नाग के आंख जैसा, ये देखिए मेरे हाथ से बड़ा आएगा, ये देखिए। अरे ये भी ऐसे लग रहा है, मेरे हाथ भी छोटे इसके सामने। अरे फन फैला रखा है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है ना सेम। भाई साहब क्या तगड़ा है, देखिए सेम नाग देवता जैसे लग रहे हैं। जय हो नाग देवता की। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, अब चलते हैं और हमको आगे भी जाना है बहुत दूर। और हमने ये वैसे मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ एक बार, और जल्दी से जल्दी आगे चलते हैं। अभी हमने ऊपर धार पर जाना है, वहाँ से दिखता है पूरा हमारा घाटी जो कि त्रिशूली पर्वत, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। लेकिन अभी बादल नहीं लगे होने चाहिए, अगर बादल लगे होंगे तो दिखेगा नहीं। देखता है हमारी किस्मत में हमें आज त्रिशूली पर्वत दिखते हैं या नहीं। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम टॉप पे। दोस्तों जो अभी ये टॉप है ना, यहाँ पर का नाम है धर्रा के टॉप पर हम अभी पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे गांव के जस्ट ऊपर पे पूरा लास्ट टॉप दिखता है ना, तो वहां पर मैं अभी हूँ। यहाँ से हिमालय पर्वत जो कि त्रिशूली पर्वत दिख रहा है वो लाजवाब दिख रहा है। तो ये है हमारी थराली की पूरी बहुत ही बड़ी घाटी। तो दोस्तों जो टॉप दिख रहा है ना यहाँ पर, यहाँ है माँ बदानगढ़ी का मंदिर। और ये पूरी घाटी जो ये है, ये बदान पट्टी के नाम से जानी जाती है जो कि थराली में पड़ती है। और मैं अपने गांव के टॉप आया हूं और मेरा गांव बहुत ही नीचे है अभी, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रही है बदान पट्टी। ये बिष्ट जी अभी यहां पर से पानी ले जाते हुए, आगे बहुत काम आने वाला है ये पानी हमें। और ये जो नीचे पूरा गांव दिख रहा है ना, ये तल्ला धर्रा है, तल्ला धर्रा यहाँ का नाम है। और सामने यहाँ पर ये पेड़ के पीछे है सरकोट, और इधर पूरा देवसारी साइड है, ये पूरी पिंडर घाटी है इधर साइड के लिए। और ये है हमारी जो बैदनी भुक्याल की घाटी है, इधर सामने बेराधार है। तो दोस्तों ये जो गांव दिख रहा है ना, ये बेराधार है। तो दोस्तों मैंने बोला था ना आपको दिखाऊंगा हिमालय पर्वत, तो सामने आपको दिख रहा है, ये देख खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ना, ये बहुत ही तगड़ा लग रहा है। क्योंकि अभी सुबह का मौसम है तो सुबह सुबह मौसम खुला हुआ रहता है। आगे से दिखाता हूं बहुत अच्छे से। बेराधार के जो पीछे ये हिमालय पर्वत दिख रहा है, ये पूरा त्रिशूली पर्वत है ये जो टॉप दिख रहा है।
पूजा। अभी हम बिल्कुल टॉप पे हैं यहाँ पे। यहाँ से हमारे गांव का जो खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है लाजवाब, यहाँ का नाम है बाणू का धार। तो हम पहुँच चुके हैं बाणू के धार में और यहाँ से जो खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं हमारे गांव के वो लाजवाब है, दिखाते हैं आपको। और सामने हिमालय पर्वत, अरे गजब गजब। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है हमारा गाँव। ऊपर टॉप से देखिए कैसा लग रहा है, और नीचे है पिंडर नदी, और यहाँ पर है हमारा खूबसूरत सा गाँव, ये देखिए। और मेरे गाँव का नाम है ऊनी। और यहाँ से जो ऊपर दिख रहा है ये है जोलाकोट, और ऊपर सीधे बदानगढ़ी माँ बदानगढ़ी का टॉप है यहाँ। और इधर जो ये दिख रहा है ना यहाँ ग्वालदम है, ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो जल्दी हम आपको यहाँ भी घुमाएंगे। यहाँ है धर्रा, धर्रा इधर है, लेकिन जो यहाँ पर घर है जहाँ पर से हम इधर को आए थे, तो यहाँ पर वो धर्रा का डीप है। और इधर के लिए है पूरी देवाल की घाटी। ये मिस्त्री लगे हैं टिकड़ी बनाने में, ये बंदा तो एक्सपर्ट है भाई हर काम में। ये घी से क्या बनना है, घी बदी बोने, ये है घी, क्या बनना है, रूठ। ये यहाँ पर हो रही है पूजा। तो दोस्तों इस तरह से चलाया जाते है डोली। तो इसके बाद चलेंगे हम सीधे घर को, फिर चलते हैं, पूजा संपन्न हुई। तो अब मिलते हैं आपको घर में, क्योंकि डोली हमने चढ़ा दी है और हम जा रहे हैं अब घर के लिए। तो दोस्तों जंगल की पूजा खत्म करके हम आ चुके हैं घर, मतलब की डोली चढ़ा के हम आ गए हैं घर। मेरे पीछे आपको मंडुआ दिख रहा है ना, ये मंडुआ, तो ये मंडुए की मंडाई होने वाले है अभी। तो दोस्तों जैसे हमने धान की मंडाई हमने पैरों से की थी, लेकिन आज हम करने वाले हैं मड़वे की मंडाई। तो मड़वे की मंडाई होगी बैलों से, तो आज बैलों के पैरों को यूज़ करेंगे हम मड़वे की मंडाई करने के लिए। तो आप देखेंगे आज की कैसे पहाड़ों में मड़वे की मंडाई होती है। तो मड़वा कैसा होता है वो आपको दिखाते हैं हम। इसे हमारे पहाड़ों में कोदा बोला जाता है। तो ये है मड़वा जो आप देख रहे हैं ना, ये है मड़वा। तो इसे हमारे पहाड़ों में वैसे तो कोदा बोला जाता है, और कोदे की रोटी तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन थोड़ा काली होती है, पर टेस्टी बहुत होती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होती है हमारे वहाँ मड़वे की मंडाई। ये देखिए सामने क्या खूबसूरत दृश्य लगता हुआ हमारे घर का, मतलब सामने का जो घर दिख रहा है ना वो हमारा घर है। ये हमारे बैल हैं, और ये हमारे चौक में हो रहा है मड़वे की मंडाई, और ये मेरी माँ जी है। चलते हैं थोड़ा बहुत काम करते हैं, तब तक आप छोटे मोटे शॉर्ट्स के मजे लीजिए, क्यों भैया जी। ये देखिए सामने क्या खूबसूरत दृश्य लगता हुआ हमारे घर का, मतलब सामने का जो घर दिख रहा है ना वो हमारा घर है। ये हमारे बैल हैं, और ये हमारे चौक में हो रहा है मड़वे की मंडाई, और ये मेरी माँ जी है। कर रहे हैं अभी हम भी मड़वे की मंडाई, तो हम भी करते हैं, चलते हैं थोड़ा बहुत काम करते हैं, तब तक आप छोटे मोटे शॉर्ट्स के मजे लीजिए, क्यों भैया जी। फिर तो भैया जी मंडवे की मंडाई शुरू हो चुकी है, और हम बैलों से कर रहे हैं मंडवे की मंडाई। फिर इनको फिर बोलना पड़ता तब ये जाते हैं, और नहीं बहुत हरामी उड़ गए। फिर ये देखो तभी जाते हो, फिर तो इस तरह से मंडवे की मंडाई होती है हमारे पहाड़ों में। तो जो है ना इसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोला जाता है दें,
दे कर रहे हैं मतलब को दादे करना ना हम अभी मनवा दे तय मनुअलो तो रोड खोला बस और क्या चाहता हो ओ फेर 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 बहुत जगह बैलों को ऐसे पाथा जाता है ओ फेर बल्ला फेर 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 ये बीच में रस्सी से पाथा जाता है ना इनका गला तब ऐसे कर घुमाया जाता है इन्हें मंडवे में पर हमारे यहाँ रस्सी से नहीं बांधा जाता है मतलब हमारे बैल समझदार हैं इसलिए हमने बांध नहीं रखा है ओ फेर बल्ला फेर 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 ओ फेर ओ फेर ओ फेर फेर 15 से 20 मिनट ऐसे ही घुमाना पड़ता है इनको एक दम में ओ फोर फेर 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 अगर छोटा वाला दम होगा ना मतलब छोटा सा मंडवा कम होगा तो 15 से 20 मिनट घुमाना पड़ता है वरना कम से कम आधा घंटा एक घंटा मान के चलिए आप फेर बल्ला फेर 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 साला जा ही नहीं रहे हो थक गया रे या थक गया आज हो ओ फेर ओ फेर ओ फेर 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 ये देखिए मंडवा झड़ा ने निकल रहा है मंडवा ये देखिए ओ फेर बल्ला फेर 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 रुको मत चलते रहो ओ फेर कैया फेर फेर ओ फेर फेर का मतलब चारों ओर घूमो रे घूमो ओ फेरो बल्ला फेर 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 तो दोस्तों अब थोड़ा सा ही बचाया और जो ये बैलों के मुंह पर लगाया ना ये रस्सी टाइप की इसे मुआव बोला जाता है अरे वहाँ जा अभी खाने के लिए कुछ नहीं है ओ फेर बल्ला फेर फेर ओ फेर 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 तो दगड़ियों दे पूरा कंप्लीट हुए और मन्नू अलग हुए बालाड़ अलग हुए ये देखो ये मन्नू अलग हुए बालाड़ अलग हुए और दे भी कंप्लीट हुए और हम बल दे अपने भेजा है चरूण है या अभी खेत में चना ही हूँ बल दे तो दोस्तों थोड़ा इनको खेत में चरा लेते हैं थोड़ा देर और उसके बाद फिर इनको बांधेंगे अंदर और जो मंडवे की मंडाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है तो फिलहाल इनको चरने दे थोड़ा सा और अभी इसमें भी बहुत सारा काम बचा है इस मंडवे की जो मंडाई रखी है इसके बाद क्या क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे और खाते हैं ककड़ी थोड़ा सा ककड़ी खा लेते हैं ताकि शरीर पे थोड़ा ठंडक पहुँचे ककड़ी खा के क्योंकि धूप बहुत हो चुकी थी अभी ये मंडवे की मंडाई करते करते हरा नमक पीसा है और ये है ककड़ी अब खाते हैं इसको हम लेते हैं ककड़ी का आनंद और अगर आप भी खाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है हमारे गाँव में टेस्टी हो रही है ककड़ी हरी मिर्ची के साथ काफ़ी टेस्टी हो रही है ककड़ी तो भैया जी बैल हैल हमने बांध दिए हैं अंदर अब कर रहे हैं हम थोड़ा सा मडवे को छानेंगे उससे जो बालड़े बोलते हैं जिसको उससे हम उसको अलग करेंगे मडवे को कैसे मडवे को अलग किया जाता है उसके भूसे से वो आपको दिखाते हैं ये देखिए जो बड़ा बड़ा भूसा होगा इसमें वो अलग हो जाएगा और जो मड़वा है वो अलग हो जाएगा ये है मड़वा इसको हमारे पहाड़ों में बोला जाता है रुंगौड़ और आपके वहाँ क्या बोला जाता है आप ज़रूर बताएं हमारे चमोली में तो इसको रुंगौड़ बोला जाता है ये देखो बिल्कुल जाली जैसे बीच में इसमें रुंगौड़ रिंगाल के सूपे जो होते हैं वो बिल्कुल यहाँ से लुप्त हो के विलुप्त हो गए हैं बहुत ही कम दिखेंगे अब हमें अब बाकी ये प्लास्टिक के सामान आ चुके हैं जो कि 28वां जुबा में आपको मिल जाएंगे बिना लोगों के दुकान में दीवार में जाके आप ले सकते हैं पूरे गांव में हमारे गांव में यही चलते हैं आप सूपे तो ये बिल्कुल अलग हो गया है मड़वा अब इसको थोड़ा सा खाना जाता है इसको ओखली में कूटा जाता है उसके बाद इसको चक्की में ले जाया जाता है फिर बनते हैं इससे आटा फिर आटा बनने के बाद फिर हम खाते हैं रोटी